साथ आराम से बिल्कुल आए और काफी ट्रॉफी दें। थर्ड प्लेस की ट्रॉफी साथ में मेडल और सर्टिफिकेट भी दिए जा रहे हैं। वन थाउजेंड हॉकी लाइक साकेत मैं रिक्वेस्ट करूंगा श्री भूपिंदर सिंह जी से सेवा पब्लिक स्कूल मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लेयर से और स्लॉटिंग कोच एंड मैनेजर की वो आगे मंगल शूटिंग स्कूल है आपका केशवपुरम में। खेलों के अंदर देखने में आ रहा है कि आपकी लड़कियां हॉकी में बैक टू बैक आज थर्ड मुकाबला जीत रही हैं। खेल जीता उसके बाद आपने मोता सिंह जीता और अभी ये अभी जो दौलतराम मेमोरियल टूर्नामेंट है इसमें भी आपने बढ़त बनाते हुए बैक टू बैक तीन मुकाबले आपने जीते हैं। तो लड़कियों की जो प्रैक्टिस है वो दर्शा रही है कि आपकी बड़ी अच्छी प्रैक्टिस चल रही है। तो कितना टाइम दे पाते हैं ये बच्चियाँ खेल को और कितना इनकी प्रैक्टिस पर आप ध्यान देते हैं? सर पहली बात तो मैं सभी बच्चों को धन्यवाद दूंगा कि बहुत मेहनत भी हो रही है प्लस ये बच्चों ने जो बैक टू बैक टूर्नामेंट जीते हैं इन टूर्नामेंट के लिए जो प्रिपरेशन है जो टाइम बच्चों को देना चाहिए वो कम्प्लीटली तो नहीं मिल पाता है लेकिन फिर भी बच्चों ने जितना भी टाइम दिया है उसके हिसाब से मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और इनको बड़ा कंग्रेचुलेट करता हूँ कि इन्होंने बहुत मेहनत की है और मेहनत का नतीजा है कि बैक टू बैक तीन टूर्नामेंट इन्होंने जीते। बच्ची क्या नाम है आपका? आपकी टीम ने आज जो बढ़त बनाई विजय हासिल की है कैसा महसूस हो रहा है? मैं रक्षिता, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। हमने जितनी मेहनत करी हमें उसका रिजल्ट आज मिला। हम लोग पूरे साल कंटिन्यूस प्रैक्टिस करते हैं, शाम को करते हैं और बहुत मतलब हमारे कोच वगैरह हमें बहुत सपोर्ट करते हैं। हम लक्की हैं बहुत। हम लोग आगे नाम रोशन करेंगे अपने स्कूल का। आगे क्या है? मैं नेशनल ओलंपिक, हाँ जी सर, इंडिया टीम में जाना है, ओलंपिक में जाना है। वर्मा जी, ये दिल्ली एनसीआर के लिए आपने बच्चों के बीच में एक इंटर स्कूल हॉकी टूर्नामेंट करवाया है, इस हॉकी टूर्नामेंट को करवाने का कॉन्सेप्ट क्या है? ग्रास रूट लेवल पर हॉकी को बढ़ावा देना था, बच्चों को एक्स्ट्रा टॉप में चांस मिले खेलने का। मेरा सबसे बड़ा प्रयत्न ये था कि बच्चों को एक नेशनल स्टेडियम में कम्बाइंड ओवर ऑल इंडिया लेवल टूर्नामेंट के हिसाब से चांस मिले। मैं भी खुद हॉकी प्लेयर रहा हूँ इसलिए मुझे टूर्नामेंट की वैल्यू के बारे में बहुत जानकारी है। इसलिए मैं पिछले 5 साल से ये हॉकी टूर्नामेंट करा रहा हूँ। ये तीन कैटेगरी में कराया जाता है, अंडर 14 बॉयज़, अंडर 17 बॉयज़ और गर्ल्स।